मैनू निरंकार दा हुक्म IIGS संस्था दे द्वारा प्राप्त होया है। मैं आप दी सेवा विच अपनी अलग बुद्धि ते अपनी भावनावां लेके हाजिर हाँ। मेरे कोई भी इंसान, मैं भाव कोई भी इंसान अपरंपर कायनात की अनंतता दे विच एक निक्की बिंदी या डॉट समान सूरज मंडल है। सूरज मंडल दे 9-10 ग्रहां विचों एक धरती, एक देश, एक शहर, लखां वस्ती जीए विचों मैं एक हाँ। हैरान कुल गल ए है कि मैं समझदा हाँ कि मैं बहुत कुछ हाँ, शायद सब कुछ हाँ ते सब कुछ कर सकदा हाँ। ए ज्ञान या विज्ञान नहीं है, ए भ्रम है। हुण सारे सियाने इस भ्रम नूं भ्रम गुरु विच जान गए हन, लेकिन मेरी बुद्धि विच, मेरी बिरति विच, मेरी अकल विच क्यों नहीं पैंदा। मैं की हाँ, कित्थे हाँ, की कर रहा हाँ, क्यों कर रहा हाँ, कित्थों आया हाँ, कित्थे जाना है, किस तरह जाना है, कदों जाना है, इन्हां सारे प्रश्नां दे उत्तर दे दे यतन करिए लभण ते तां लगदा है कि मैं केवल ते केवल एक परम भुलावा हाँ। एक परम भुलावे विच भुलिया निक्का जिहा बिंदू लटकदा फिरदा हाँ, और इस दे विच आई एम ए टाइनी पार्ट ऑफ ए डॉट एंड दैट डॉट इज अर्थ इन दिस होल कॉस्मस। ऑल साइंटिस्ट, ऑल साइंसेस, ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज नाउ एग्री टू इट कि आज दी नहीं सदियां पहले आइजक न्यूटन ने स्वै ज्ञात लई अपार समुंदर दे किनारे किया सी कि मैं ते हले गीटे गिण रहा। इन्हां सदियां विच ज्ञान दा बेशुमार वादा होया, सुखां साधना ते ऐशां दी भी बेशुमार परमार लग गई है, पर इंसान जितना अपनी ते दिसदी ते समझ विच आंदी कायनात अते कल्पना विच आंदी कायनात नूं घोखदा है, उतना अपनी हीनता, अलपगता, निरार्थकता नूं होर ते होर रियलाइज करन लग गया है। कई सालां तों, कई महीनियां बाद सारे संसार दे सारे इंसान विज्ञानियां दी समझ एक निक्के जे अणु, एक निक्के जे कण जे वायरस कोविड दे बारे हाले भी सिट्टे ते नहीं पहुंच सके। असी हाले भी बेसमझा। इंसान सोचण लगा सी कि मैं बहुत कुछ हाँ। वाहिगुरु इहो जे कौतक रचाउंदा है ते लगदा है कि मैं कुछ भी नहीं हाँ। हुण सारी कायनात दा पूर्ण ज्ञान ऑफ ऑल थिंग्स बारे साडे कोल असी तां जल्दी सहमत हो जांदे हां कि सानूं नहीं पता, पर अपनी किस्मत ते अपनी करनी करन विच असी बड़े रुझे होए हां ते समझदे हां कि सानूं लगदा है कि असी अपनी किस्मत आप बनावांगे, अपना फ्यूचर बच्चियां दे भविख लई कमाल कर दिया। सानूं जदों रियलाइज होएगा जो मेरे सतगुरु कहंदे ने कि करन करावन आपे आप, उदों तों साडा सुख शुरू होना है। आओ सुनिए गुरु जी साडी सियाणप ते अकल बारे की कहंदे हन। नितनेम दीआं बाणियां असीं सारे पढ़दे हाँ, सुणदे हाँ। जपजी विच मूल मंत्र विच अकाल पुरख सब कुछ ही है तो स्टार्ट है, उदा प्रताप ते सिक्का चलदा है, वो सतनाम है, वो ही करता पुरख है।
सारा कुछ करने वाला है। असी तो हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, असी उसे हुक्म विच सुखमनी साहब विच असी सुनते हाँ, करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोई। आसा दीवार चो सुनते हाँ, किछ हाथ किसी दे किछ नाई, सब चले चलाए। जाप साहब विच सुनते हाँ, कारण कुनिंद है सारे कारना दा करन वाला तू, आप वाहिगुरु है सर्वंग करता, वाहिगुरु है जी जन सब खेल तेरा है, ज्यो तू चला है त्यों चले स्वामी, सच है साहेब ज्यो पावे तिवें चलावे। असी सारा कुछ उस दे अनुसार कर सकते हैं। तुद आपे पावे, तुद आपे पावे सोई वरतै, सारे प्रकाश जोत विच केवल उस दा चानना है। ए असी पढ़ते हैं, ए असी सुनते हैं, शायद पढ़न लगे मन जांदे हैं, पर असी ता पानी दे पढ़न दे महात्म विच पै गए हाँ कि महाराज नू मनन दे नाल साडा मन नहीं मनता। असी कारजां विच आप ही अपने आप नू करता समझते हैं, जदों औख होवे तां बेनतियां करके अपने हालात ते अपनी ताकत ते अपनी हिम्मत वधाउण लई मंगदे आ, दुश्मनां तों बचण लई कहिंदे आ, दुश्मनां तों हटावो इह कहिंदे आ। असीं निर्वैर प्रभु नूं कहिंदे आ कि मेरे खास दुश्मनां तों हटा दे, उहनां नूं मार मुका, अपनी हिम्मत लियाकत ताकत जुटाण विच ते अपने बच्चियां परिवार दी लियाकत ताकत ते हिम्मत जुटांदे हां, जिन्हां दे बल ते असीं कार्य करदे हां ते सफलता दी खुशी महसूस करदे हां, माण करदे हां, अपनियां अचीवमेंट्स सक्सेसेस अपनी शोभा अपनी वाह वाह अपने कमाल लैण लई अरजोइया ते बेनतियां करते हाँ, मेहनत करते हाँ, जदों मिल जांदियां ने फिर टप खलोंदे आ, लगदा सब कुछ मैं कीता है। आशा ते मिथे निशानियां विच जदों फेल होंदे आ फिर रब नूं हालात नूं दूजियां बंदियां नूं रुकावटां नूं कोसदे आ। अल्टीमेटली सक्सेस इज माइन एंड फेलियर इज थाइन और ड्यू टू अदर्स। फिर रब करन करावन हार स्वामी किवें होया, ये तो कहंदे गलत ते शर्मसार हुंदे आ। जो सारा कुछ मेरा वाहिगुरु आप है ते मैं हाथ धर के बह जावां, कख ना करा अपने लई जां अपने परिवार लई, ये बड़ा वड्डा प्रश्न है जिहड़ा असीं कुछ देर विचारांगे। ये पजल रब नूं सब कुछ मनन वालियां ते प्यार करन वालियां दी है। जिहड़े रब नूं नहीं मनदे मैं उहनां दी नहीं गल कर रिहा, अपनी ते तुहाडी गल कर रिहा, नासकां दी रब विरोधियां दी नहीं कर रहे। आओ इस पजल इस प्रिडिकामेंट नूं इस शंका नूं गुरु तों ही पुछ के हल करिए ना, मैनूं ते नहीं पता। बहुते लोग इस नूं रब वालों सानू लिमिटेड फ्रीडम मिली हुई मनते हैं, कहते हैं कि रब अल्टीमेट है पर सानू उन्हें अकल मेहनत हालात दे के शायद कुछ चाबियां सानू दे दित्तियां ने कि इन्हां नाल तू खोल लै, पर हरेक नू वक्खरी वक्खरी चाबी वक्खरी वक्खरी शक्ति दित्ती है। सक्सेस जे आ जाए असी अपनी शान समझदे आ, जिन्हां नू लगदा कि उह घट सफल या फेल हन उह अपने हालात पिछले दसी ते लोकां दे उत्ते जिम्मेवारी पांदे आ। मेरे वाहिगुरु दी दात जीवन ते जीवन दे हालात लै के असी इक मिक इको जे नहीं रह सकते, क्योंकि सब कुछ उसे दी खेड है। असी वख वख किस्मत मेहनत लियाकत ते सफलता विच असी एवें
पर मैं फिर दिया। फिर समझिए आओ लभिए मैं किया, हालात की हन, करता की है, करता कौन है। भाई मैं शरीर, विचार, विकार ते रबी जोत पेड़े प्रभु आत्मा दा एक इकट्ठ हाँ। मेरा शरीर ते इसकी ग्रोथ बारे साइंस दा निर्णय है कि 60% तो लैके 80% तक डिफरेंट साइंटिस्ट कहते हैं जेनेटिक है, ये पहले ही मिलिया होया, ये मेरे वास नहीं है। मैं माता पिता रिश्तेदार उन्हां दी वर्तमान बदलते हालात इन्हां सारयां दे घेरे तो काफी परे हां। मेरी एजुकेशन, शरीरक, मानसिक बिल्डअप, ये सब कुछ नूं मैं कहिंदा हां कि मैं हाँ। एक्चुअली ये ते सारा कुछ घड़िया कढ़ाया मेरे को आया पिया है। इसे लिए गुरु जी ने कहा हम किया, हम करेंगे, हम मूर्ख गावार। ये तो करने वाला विसरिया दूजे पाए प्यार। जे मैनू हालात ने कड़िया है, रब ने कड़िया है, किसी ने कड़िया है, मेरा सतगुर कहिंदा है कि वह भी कड़े कड़ाए ने हालात भी, वह किसी ने भी कड़े कड़ाए आए ने, वह करता पुरख ने कड़े ने। असल विच हालात उत्ते इनफ्लुएंस कर रहे भी इन्यूमरेबल बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वेरिएबल्स हैं जो मेरे मेरे रिश्तेदार मेरे देश की सरकार मेरा समूहक संसार मेरी दुनिया ये विचार कॉस्मोस सब दे अनप्रिडिक्टेबल अनफोरसीन। फिर मान का दान असी सारे रल के इंडिविजुअली टाइनी इन्फ्लुएंस पाते हैं ते रलवे रूप विच असी मीगर इन्फ्लुएंस पाते हैं। इस विच धरती, मौसम, जोग्राफिया, स्पेस ये सारे इन्फ्लुएंस भी हैं। फिर मैं ते मेरी लियाकत ते मेरी ताकत ये केवल ते केवल मेरी हिमाकत है, मेरा अहंकार है, मेरी फूक है, मेरी फोकी आकड़ है। मैनू सारे संसार नू, सारे कायनात नू चलाण वाला मेरा इको अहंकार निरंकार है। असल ओ अविनाशी राया है, ओ आप वरत रहा है, मेरी मैं बन के मैनू वरता रहा है। जेड़ी मेरी मैं है ओ निरंकार दी ही खेड है। एक महल तू होए अफारो, एक महल ने मानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो। करता मेरा आप है, आप संपूर्ण है, ते मैं गरीबड़ा भी ओ ही हाँ, उसे दा तारिया हाँ। तो निष्कर्ष या कंक्लूजन ए है कि काठ की पुतली कहाँ करे बकुरी, खिलावन हारो जाने, मदारी बाजीगर दी तरह वखरे वखरे कपड़े हालात दे के वाहिगुरु ने काठ दियां पुतलियां सजा के सानू नचारिया है, ते असी समझदे आ कि मैं बड़ा कमाल कर दिता है, असी समझदे आ मैं बड़ा दुखी हाँ। जेड़े बहुते सियाने हो जांदे उन्हूं कहंदे रब तू मैनू बड़ा दुखी कीता, वह काठ दी पुतली निर्जीव है, वह नहीं कुछ जानदी। दुखी होण, अचंभत होण, भावें सुखी होण, असी काठ दीआं पुत्रियां नूं मैं दा एहसास, आभास ते एक इन्फ्लुएंस है, ये है काठ दी पुत्री ते इंसान दा फर्क। साढ़े अंदर खुदी नूं बुलंद करन वाली ईगो भी रब ने पा दित्ती है, तो मैग्नीफाइंग आर्ट साइंस कपैसिटी भी दित्ती है। ई मेरे सुख हैं, यही मेरे दुख हैं, यही मेरे हालात हैं जिन्हें मैं समझदा हाँ कि मैं बनाया है, ते यही मेरा इनफ्लेटेड फुलिया होया आपो आप है। फिर ये क्यों की तरह
जिन किछ किया सोई जाने, जिन्हें सब विद साजी मैं ते नहीं जानता। कहो नानक अपरंपर स्वामी कीमत अपने काजी, इनफिनिट गॉड ओनली अंडरस्टैंड्स द वाई वेयर एंड हाउ ऑफ एवरीथिंग। पर गुरु कृपा करके, गुरु दी मेहर करके ऑपरेशनल पार्ट सानू समझाण लई दिता गया है। करता पुरख है ता सहभंग आपे ही, पर वो गुरप्रसाद रूप विच, गुरु रूप विच सामने होके ज्ञान शब्द नाद लाइट फ्रेगरेंस कुछ कह लो, वो ए बन के सानू नॉलेज दिंदा है। आओ असी पहले अपना ऑपरेशनल पार्ट समझिए, पे फिर लभांगे कि असी की करिए। ये असी समझ गए हाँ कि करण करावन आप है। रब दा सारा एक्शन बिजली बदल गरज स्पेस मौसम बीमारी महामारी या इनएक्सप्लेनेबल कोविड जिसका जिस कारा खुशी हाय हाय वंडर बन के कदी कदी सानू एक्सपीरियंस वक्ती फीलिंग्स लेके इना नू एक्सीडेंटल हैपनिंग्स बना के असी अपनी मैं मेरी ममता ते तृष्णा दे फिनामिने दे विच वेखदे आ। फिर कहंदे आ ए मेरी सक्सेस है, ए मेरी फेलियर है, थोड़ी बहुती मेरी सक्सेस है, ए मेरी टेक्नोलॉजी है। साइंटिफिक एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज वेखदे हाँ ते साड़ी मूर्खता दा सानू पता लगदा है। असी सब कुछ कीता जा कर रहे हैं इनू असी सक्सेस या प्रोग्रेस कह लेंदे हाँ। बड़ी बेर तो दुनिया इस पुंबल पीसे ते इस शॉर्ट लिव्ड मौजे विच अपने आप नू ह्यूमन प्राइड करके समझ दे रही। जदों टेक्नोलॉजिकल ते साइंटिफिक अचीवमेंट्स विचों इंस्टीट्यूशनल क्रैशेज उत्पन्न होइया, सोशो कल्चर पॉलिटिकल ग्लोबल वर्लपूल्स विच असी टह के असी पास्ट दी पीस ते पैटर्न नू फिर याद करदे आ ते तरसदे आ कि पहले बड़ा चंगा सी। एक लॉन्ग चलदी स्टोरी है, मैं इस स्टोरी दी गुंजल खत्म जोगा नहीं करन जोगा नहीं हाँ। पर साडा मुख कारज अपनी निक्की जी इंडिविजुअल किस्मत नू समझण दा यतन है कि की रब ने सानू जा मैनू कोई भी लियाकत ताकत ते किस्मत घड़न नू नहीं दिती, सब कुछ आप ही आप है। मैनू मेरे रब जी मेरे सतगुर बन के ते यही समझांदे ने, काठ की पुत्री तेरे अपने हाथ कुछ नहीं। इहदे दो पक्ष हन, एक सतगुरु दा दित्ता ज्ञान कि तू कुछ नहीं ते दूजा तेरे हथों कुछ भी नहीं होना। हुण इह दोनों एग्री करने बड़े औखे लगदे, मैनू समझ नहीं आती। गुरु जी तो बहुत क्लियर ने, किछ हाथ किसी दा किछ ना ही, सब चले चलाए। मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असा जोर ना ही जे किछ कर हम साके। जित जित लाव तित लगे हर नाथ, नानक इनके किछु ना हाथ। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ये सारा कुछ असी पढ़न लग्या उस वेले अखा बंद के रस लैके मन जांदे आ। कदे कदे जदों फेल होके टह पैंदे आ ते वक्ती तौर ते ये साड़ी फीलिंग भी बन जांदी है, पर फिर हंकारी बन के फुले होके ओही जा कुछ होर कर सकण दी अपॉर्चुनिटी जुटाण विच लग जांदे। इंज सारी उम्र ढल के सेहत
ਬੁਢੇਪਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੇਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਜੁਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੋ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕਰੀਆਂ ਸਕਸੈਸਿਸ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫੇਲਰਸ ਉਹ ਰੱਬ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੰਝ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹਰੇਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਖਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿੰਗ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮਾਈ ਫੇਟ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਥਾਟਸ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਲੈਨਸ ਦਿੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਥਾਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੈਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥਾਟਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੋਡ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਗੋਡ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਥਾਟਸ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਵ ਰਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੇ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਝ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਬਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਟੈਂਡਿਡ ਪਲੈਨਡ ਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪਲੇਸਡ ਕਾਰਜ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕ੍ਰਸਟ ਹੈ ਇਹ ਗਲੇਫਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਡਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਗੋਡਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਗੋਡਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਗੋਡਲੀ ਇੰਟੈਂਡਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਉਮੈਦ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੋਡ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ ਫੂਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁਲਾਵਾਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਗਤੀ, ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਹਉਮੈ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਇੰਜ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ, ਮੈਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਮੈਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਸਟੂਪਿਡ, ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਮੋਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਕੀੜੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿੰਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾ ਪਸਰਿਆ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਲਿੰਗ ਮੂਵਿੰਗ ਫੇਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰ। ਮਰਨੰ ਬਿਸਰਣੰ ਗੋਬਿੰਦ, ਜੀਵਨੰ ਹਰਨਾਮ ਧਿਆਵਨ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਟਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।